दोस्तों पत्नी के दिल में झांक कर तो देखो, खोई हुई गर्लफ्रेंड ना मिल गई तो बताना। अरे कभी बेटे से दोस्ती करके तो देखो, जवानी फिर से दस्तक दे जाएगी। सबसे पहला दोस्त याद करके देखो, माँ की याद आ जाएगी। बूढ़े बाप से दो बातें करके तो देखो, एक सुलझी हुई दोस्ती घर में ही मिल जाएगी। अरे क्यों दोस्तों में रिश्ते ढूंढते हो, रिश्तों में दोस्त ढूंढो, जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों आप किसी भी इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा करने लग जाओ तो वह इंसान आपको धोखे का तोहफा भी बड़े ही प्यार से देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर ही उठानी चाहिए। दोस्तों क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, अरे ये तो शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जिंदगी अगर फाइन है दोस्तों, जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है। अगर कोई लड़की सुनकर भी चुप रहे दोस्तों, अगर कोई लड़की सुनकर भी चुप रहे तो यह मत समझना कि वो कमजोर है, अरे बल्कि सच तो ये है कि वह अपने घर के संस्कारों से बंधी हुई है। दोस्तों जब आप बुराई के साथ जीने लग जाते हो ना, तब आपको बुराई में बुराई दिखनी ही बंद हो जाती है। मुंह पर बोलने की आदत, अरे जब मुंह पर बोलने की आदत हो ना तो मुंह पर सुनने की आदत भी होनी चाहिए। जब परिवार के सदस्य, दोस्तों जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। मतलबी लोग, दोस्तों मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। दोस्तों जिस घर में औरत पर हाथ उठता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, और जिस घर में औरत का सत्कार होता है उस घर में लक्ष्मी और प्यार का वास होता है। ऐ मेरे अच्छे वक्त जरा धीरे से चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से, दोस्तों समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह तो मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे, ऐ मेरे दोस्त आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, और सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। आप जितना कम बोलोगे ना दोस्तों, आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। दोस्तों अपनी बेटी को यह तीन चीजें जरूर दें, अपने आत्म सम्मान को पहचानने की ताकत और अपने सपनों को पूरा करने की काबिलियत, और ये यकीन दिलाए कि उसके माता पिता हमेशा उसके साथ हैं। दोस्तों गुस्सा भी बहुत चतुर होता है क्योंकि ये अक्सर अपने से कमजोर व्यक्ति पर ही निकलता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता ना मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। वक्त बदलने पर, दोस्तों वक्त बदलने पर साथ वाले लोग भी बदल जाते हैं। जो इंसान पहले बात करने का बहाना ढूंढते थे ना, वो फिर बात ना करने का बहाना ढूंढते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं मेरे दोस्त, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। चाहे कसूर किसी का भी हो मेरे दोस्त, चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। चीजों की कीमत, दोस्तों चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत होने के बाद। किसी जगह बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे थे कि दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। दोस्तों एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। दोस्तों इस दुनिया में अजनबी रहना ही सबसे बेहतर है क्योंकि लोग अपना बनाकर अक्सर बहुत तकलीफ देते हैं। दोस्तों इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। ईश्वर कहते हैं मेरे दोस्त, ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने भी नहीं दूंगा। अकेले ही लड़नी पड़ती है दोस्तों, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। अरे सलाह देने वाले तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। दोस्तों गरीबों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता।
दोस्तों घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे ना, तो वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, ऐ मेरे दोस्त, गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, लेकिन कभी कभी दिल की बात भी कर जाता है। हम अक्सर उन्हीं लोगों से ज्यादा लड़कर दूर हो जाते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। अरे किसी भी रिश्ते में अनबन होना जायज है, मगर उस अनबन को बात कर दूर कर देने वाले रिश्ते ही हमें खुशी देते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं, ऐ मेरे दोस्त, हमारी आंखें अक्सर वही लोग तो खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हमेशा खुश रहा करो, ऐ मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और लोग भी हैं। हर एक की सुनो, ऐ मेरे दोस्त, हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दोस्तों जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो ना, तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। दोस्तों जब इंसान का दिल टूट जाता है तो वो अंदर से खामोश और दुनिया को खुश दिखने के लिए झूठी हंसी का सहारा लेने लगता है। जब रहना है तन्हा, ऐ मेरे दोस्त, जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, अरे जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं ना, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। दोस्तों जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जन्म लेना और मरना हम यह डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीना कैसे है यह तो हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है लेकिन फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं हो केवल वही मुर्दा है, अरे जिनमें इंसानियत ही नहीं है वो कौन सा जिंदा है। जीव सुधर जाए, ऐ मेरे दोस्त, जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जीने का बस यही अंदाज रखो, ऐ मेरे दोस्त, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से नहीं आती, ऐ मेरे दोस्त, जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही अजमाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, ऐ मेरे दोस्त, जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, दोस्तों जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों जिस घर में औरत खुले मन से मुस्कुराती है, ऐ मेरे दोस्त, जिस घर में औरत खुले मन से मुस्कुराती है, उस घर में खुशियाँ दौड़ी चली आती है। जिसने अपनों को बदलते हुए देखा है ना, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। दोस्तों जो इंसान आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। दोस्तों जो हमारे ऊपर हक जताने में सबसे आगे रहते हैं ना, अक्सर वही तो हमारी खातिर फर्ज निभाने के नाम पर पीछे हट जाते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए काम करके खुश रहते हैं ना, उनकी खुशी की जिम्मेदारी ईश्वर स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। कभी कभी दोस्तों कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। दोस्तों जब रिश्ते में दरार आती है ना, तो सामने वाले की हर बात में ही बुराई नजर आती है। खूबसूरती हमेशा, ऐ मेरे दोस्त, खूबसूरती हमेशा देखने वाले के मन में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट ले, ऐ मेरे दोस्त, खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट ले, लेकिन अपने गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। कोई मुझसे पूछ बैठा, ऐ मेरे दोस्त, कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं, अरे हम तो सोचो पड़ गए कि मिसाल किसकी दें, मौसम की या अपनों की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं हमने, लेकिन खुद गिरते संभलते रहे, किसी को गिराया नहीं हमने।
दोस्तों परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करें। दोस्तों प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। रिश्तों की कदर ए मेरे दोस्त, रिश्तों की कदर समय रहते कर लेने से हर रिश्ते बचाए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन नज़र वो है ए मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके। सुखचिंतक वो नहीं होते जो आपसे रोज मिले और बातें करे, अरे सुखचिंतक तो वो हैं जो आपसे रोज ना भी मिल सके लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करे। शतरंज के शौकीन नहीं थे हम, इसलिए धोखा खा गए, अरे वो मोहरे चल रहे थे और हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। दोस्तों तकलीफ देने वालों को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वालों को कभी मत भूलना। वे लोग कभी नहीं रूठते ए मेरे दोस्त, वे लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई न हो। यह सोचकर दुखी न होना कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि तराजू से सिर्फ वजन को मापा जा सकता है, गुणों को नहीं। वक्त के थपेड़ों ने सिखा दी हमें होशियारी ए मेरे दोस्त, वक्त के थपेड़ों ने सिखा दी हमें होशियारी, वरना हम भी कभी मासूमियत की हद तक मासूम थे।